हेलो बेटा, कैसे हैं आप सब? बेटा, हम लोग संधि पढ़ रहे हैं और मैं जानबूझकर आपको थोड़ा सा धीरे धीरे पढ़ा रही हूँ, क्योंकि आप लोगों को ताकि समझने में आसानी हो। ठीक है, अभी तक हमने स्वर संधि ही पढ़ा है। स्वर संधि में हम लोगों ने दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि और हम लोगों ने यण स्वर संधि पढ़ लिया था। आज जो है हमारा अयादि स्वर संधि हम लोग पढ़ेंगे, ताकि हमारा स्वर संधि कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी बेटा फिर मैं वही कहूँगी कि आपको फॉर्मूले याद करने होंगे। कौन से फॉर्मूले? अभी तक आपने दीर्घ स्वर संधि में 3 फॉर्मूले याद किए थे, गुण स्वर संधि में 3 फॉर्मूले याद किए थे, वृद्धि स्वर संधि में 2 ही फॉर्मूले याद किए थे और यण स्वर संधि में भी आपने 3 फॉर्मूले याद किए थे, परंतु अयादि स्वर संधि में आपको 4 फॉर्मूले याद करने हैं। वो कौन कौन से फॉर्मूले याद करने हैं? कि आपको ए जो है किस में परिवर्तित हो जाएगा? अए में। और ए जो है वो किस में परिवर्तित हो जाएगा? आए में। ओ किस में परिवर्तित होगा? आव में। अव में। और आव परिवर्तित होगा आव में। ठीक है, अभी तक हम लोग क्या पढ़ते आए थे? छोटा आ, बड़ा आ, कहीं पे भी मिलेंगे तो दोनों मिलकर हमारा रिजल्ट एक ही होगा। लेकिन यहाँ पे जैसे आपने यण संधि में पढ़ा था कि हमारा जो है ये सब चेंज हो जाएंगे, उसी प्रकार अयादि स्वर संधि में भी आपका ये चेंज हो जाएगा। चेंज हो जाएगा तो कई बच्चे भूल जाते हैं, तो ऐसा करते हैं कि आज मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बता देती हूँ, तो फिर आप लोगों को समझने में ना आसानी हो जाएगा। कैसे? ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल, आप पहला कंडीशन अगर देख रहे हैं कि ए जो है वो ए में परिवर्तित हो जाता है। मान लीजिए कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आपको मैंने शब्द दिया ना प्लस अन। ठीक है, अभी तक आप पढ़ते आए थे कि न किस में परिवर्तित हो जाता था? अ साउंड निकल रहा है तो अ में ही रहता था। ठीक है, ये अ मिलके आ बन जाते थे, परंतु अब ऐसा नहीं होता है। अब जो है न के पीछे अ आया और जो अ है किस में परिवर्तित हो रहा है? किस में? आए में। ना ना नए ना, तो ए हुआ, ए की हमारा बदला किस में? आए में। ठीक है, तो हम इसको बना देते हैं ढीठ पाकिस्तानी और ये हो गया इंडिया। ये ढीठ पाकिस्तानी, ये हो गया इंडिया। इंडिया ने कहा मैं तो अपना रूप नहीं चेंज करूँगा, क्योंकि मैं जैसा दिखता हूँ मैं वैसा ही रहूँगा। ठीक है, लेकिन पाकिस्तानी आप सब जानते हैं, बोलता कुछ और है, करता कुछ और है और दिखाता कुछ और है, तो ये दुष्ट पापी है पाकिस्तानी। ठीक है, तो आपने क्या करना है? ये कह रहा है कि मैं जो है मैं अपना रूप बदलूँगा, तो ए कैसा है? बदल के किस में हो गया? अए में। अभी तक हम लोगों ने दीर्घ स्वर संधि और इन सब में नहीं देखा था, हमने केवल चेंजेस देखे थे। अब यहाँ पे जो पाकिस्तानी है वो कह रहा है कि मैं अपना रूप चेंज करूँगा, लेकिन इंडिया वाले भी कोई कम नहीं है। इंडिया वाले कह रहे हैं ठीक है तू अपना रूप परिवर्तित कर, लेकिन मैं भी तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगा। तो वो क्या करता है? अ जो है इसके पीछे लगा रहता है, ठीक, और कहता है मैं तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगा और मैं तेरे पीछे लगा रहूंगा। तो जब पीछे लगा रह रहा है तो अ किसके साथ? य के साथ जुड़ गया और न के साथ अ जुड़ गया और हमारा संधि का शब्द बना नयन। ठीक है बेटा, समझ में आ गया? ये जो है पाकिस्तानी है, चेंज होता रहता है, लेकिन इंडिया भी पीछे नहीं छोड़ रहा है। पीछे वो कह रहा है इंडिया कि मैं तेरे पीछे लगा रहूँगा, तो इसका जो य है वो अ के साथ जुड़ा तो य बन गया, पूरा य बन गया। न हमने लगाए हैं, ये सब हमारे हलंत के साथ हैं। ठीक है, तो इसको भी य ने अ ने जोड़ा तो न और अ मिलकर क्या बन गया?
न बन गया, क्योंकि न जब हलंत लगता है तो ये आधा होता है, और हलंत के साथ जब हम स्वर के साथ जोड़ देते हैं तो ये पूरा हो जाता है, तो हमारा संधि शब्द क्या बन गया? नयन। सेम इसी तरह अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे को ए जो है ए किस में परिवर्तित हो रहा है? आय में। यहाँ पे ए परिवर्तित हुआ था आय में, और ये बनना है हमारा परिवर्तित होके आय में, आय के साथ स्वर। तो हमारे पास शब्द क्या है? गए धन इका। तो गए जो है हमारा साउंड ये निकल के आ रहा है, ए की मात्रा आई तो हमारा ये निकल के आया, और ए किस में परिवर्तित होगा? आय में। तो हमारे पास शब्द क्या बना? ग से जब हमने ए निकाल दिया तो गए हलंत के साथ, और गए ए जो है परिवर्तित हुआ आय, और ये हो गया हमारा प्रथम अक्षर ई, और बचा हमारा शब्द इका। तो हमारा क्या बन गया? ये हो गया पाकिस्तानी, इसके पीछे हम लगे रहेंगे इंडियंस, ठीक है। तो ग के साथ अ जुड़ा तो यहाँ गा बन गया, और इसके साथ ई जुड़ा, छोटी ई है तो छोटी ई की मात्रा यहाँ जुड़ गए, तो हमारे पास संधि शब्द बन गया गायिका। क्लियर बेटा? उसी प्रकार तीसरा हमने क्राइटेरिया, क्योंकि इसमें हमने चार फॉर्मूले आपको याद करने को बोले, तो तीसरा है ओ किस में परिवर्तित हो रहा है? अव में, ठीक है। तो जब अव में परिवर्तित हुआ और उसके साथ स्वर जोड़ना है तो अव किस में, अव क्या परिवर्तित, तो हमारे पास शब्द क्या है? पो प्लस अन। तो पो यानी ओ की मात्रा आई, ओ की मात्रा किस में चेंज हो रही है? अव में, तो अव में चेंज हुई, ठीक है। तो ये सब हमारे हलंत के साथ है, हलंत और व्यंजन को जोड़ दिया हमने स्वर के साथ, इस व्यंजन को भी जोड़ दिया स्वर के साथ, तो हमारे पास संधि शब्द क्या बन गया? हमारे पास संधि शब्द बना कौन सा बेटा? पवन। क्लियर? ठीक। उसी तरह हमारा चौथा फॉर्मूला आता है, चौथा फॉर्मूला हमारा है औ धन स्वर। औ हमारा किस में चेंज होगा? आव में। ये फॉर्मूले तो याद करने हैं, ठीक है। फिर हमारे पास शब्द क्या है? शौ प्लस अक। क्लियर? तो शौ जो है, शौ औ की मात्रा किस में चेंज हो रही है? औ की मात्रा आव में चेंज हो रही है। तो यहाँ पे हमने फिर यही पाकिस्तानी ने अपना रूप चेंज कर लिया, बदल लिया, और हम तो जैसे थे वैसे हैं, हम अपना रूप नहीं बदलते, हम जो दिखाते हैं वही हैं, हम जो करते हैं वही दिखाते हैं, पाकिस्तानियों की तरह नहीं कि हमने बोला कुछ और किया कुछ और। तो हमारे पास ये शौ जो हो गया वो आधा बचा, ये हमारा चेंज हो गया, और ये हमारा अ आ गया, ये क, तो हमारा संधि शब्द क्या बना? शावक। इसी तरह बेटा आपके पुस्तक में बहुत सारे उदाहरण दे रखे हैं, आप स्टेप वाइज सॉल्व करेंगे तो आपको इजी हो जाएगा। और मैं चाहूँगी कि जैसे आपने पहले सॉल्व किए हैं वो सारे के सारे सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। और किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या अगर आपको आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। आज के लिए ही इतना ही, कल हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे व्यंजन स्वर संधि। स्वर संधि हमारा जो तीन पार्ट थे, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग, तो स्वर हमारा कंप्लीट हो गया, कल हम व्यंजन पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू क्लास।